जहाँ तक गेर की बात है, जो परंपरा गौरवशाली इंदौर की रही है, जितने भव्य तरीके से गेर यात्रा निकाली जाती है, उतने ही भव्य तरीके से और उसी पारंपरिक ढंग से इस बार भी निकाली जाएगी। ये ज़रूर है कि इसमें कुछ कुछ जो इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, जो अवांछित होते हैं, उस हेतु लगातार हमारे द्वारा अपील करी जा रही है कि इस तरीके की चीज़ ना हो और लोग परिवार के साथ उसमें आके एंजॉय कर सकें। इस तरीके का हमको सभी जितनी भी गेर हैं उनमें माहौल रखना है। सभी आयोजकों से भी इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई थी। जहाँ तक यूनेस्को की बात है, चूँकि दो साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है, और चूँकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये ज़रूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। अगर वैसी कुछ चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है तो हम लोग इसी गेर में करें, और इसके लिए गेर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ की टीम आकर देखेगी, जिस पर हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे रूट पर लगभग हमने इस प्रकार के लगभग 30 से 40 के बीच की संख्या में घर भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोग अपना स्पेस देने को तैयार हैं, जहां से बाहर जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो आकर बैठ सकते हैं और वहां पर गेर देख सकते हैं। लगभग 250 लोगों की बैठने की क्षमता अभी तक हम लोगों ने क्रिएट करी है। उसकी बुकिंग के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक दो लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। आज शाम तक हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और अगले एक दो दिनों के अंदर अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है तो बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। एक ये भी ऐसी चीज़ है कि जो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा अगर चीज़ें देखी जाएंगी तो उसमें ये भी होगा कि बाहर से देखने के लिए अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं और किस प्रकार की व्यवस्था रहती है बाहर से आने वालों के लिए, तो वो भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी जो रूट का मेंटेनेंस है और वो सारी चीज़ें हैं, उनके लिए नगर निगम की टीम को निर्देशित कर दिया गया है, जर्जर भवन चिन्हांकित करने के लिए, उनको हटाने के लिए, अथवा वहाँ पर जो हम लोग एक सूचना लगाते हैं वो सूचना चस्पा करने के लिए बता दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस बार की गेर में पार्टिसिपेट करने की सूचना प्राप्त हुई। सर, जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं, आजकल बड़ी संख्या में विदेशी देखने आने लगे, तो क्या उनके लिए अलग से कोई लॉन्च बनेगा, और जो इतिहासकार हैं यहाँ के, जो उसके बारे में बता पाएंगे द्वीप में कि आखिर कितनी पुरानी परंपरा कब से शुरू हो रही है? देखिए, एक व्यवस्था करी जा सकती है, जैसा कि महाकाल मंदिर सवारी में भी हम लोगों ने एक व्यवस्था करी थी कि वहाँ पर लाइव प्रसारण होता था उसका, और वहाँ इतिहासकार बैठते थे और उसकी परंपरा के बारे में और स्थानों के महत्व के बारे में बताते थे, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर हम लोग निश्चित रूप से वो करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। जहाँ तक विदेशी पर्यटकों का सवाल है, तो जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे घर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ की बुकिंग कराई जा सकती है, तो उनको भी वो सुविधा रहेगी। या अगर कोई हमारे पास में भोपाल से या अन्य कहीं ऑफिशियल मीडियम से कोई खबर आती है तो अन्य व्यवस्था हमारे द्वारा भी कराई जाएगी।